असल में नशे की गोलियां ये सब मिलकर तुम्हें पागल और नशे ही बनाना चाहते हैं। हम कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं। क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूं मैं घर चली जाऊं। क्यों? मेरा मतलब ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। हाँ, लेकिन जाने से पहले मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तुम्हें कोई एतराज है? नहीं। तुम नहीं चाहते ना मैं अपने घर जाऊं? मैं वो चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। असमन भाई आ जाओ। ये कुछ नए कपड़े हैं, पिछले ही हफ्ते सिले हैं। मेरा ख्याल है ये मुझसे ज्यादा तुम पर अच्छे लगेंगे। देखो पुराने कपड़े निकाले। अब पहनने का दिल नहीं चाहता ये वाले? नहीं हो रहा हूं, ये तो बिल्कुल नए कपड़े हैं, मैंने पहने भी नहीं है। नहीं भला तुम्हें इतनी मेहरबानी क्यों हो गई मुझ पे? सच बता दो क्या हुआ? जगह कम पड़ी थी इसलिए निकाले ना? सच यही है हुरैन, ये नए कपड़े हैं। मुझे लगा तुम दोनों जा रहे हो तो तुम्हें कपड़ों की ज्यादा जरूरत होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बता दो मैं वापस ले जाऊं। नहीं ठीक है। तुम दोनों पैकिंग करो, मैं मम्मी के पास जा रही हूं। सब पर शक करना ठीक बात है क्या? पता नहीं। वो बैग बंद नहीं होगा, ज्यादा हो गए, रहने दो। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी है जी? मामी, अम्मी सो रही हैं, आप मिल लें। आओ बेटा। नहीं मामी, पूर नहीं जा सकती, अबू ने सख्ती से मना किया इसके लिए। क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती? मुझे बात करनी है उनसे। अरे मैं मिलने आई हूँ, मिलने आए हम। पूर बाकी तबीयत पहले ही बहुत मुश्किलों से संभली, कोई भी सब तमाशा ना खड़ा करना कि उनकी तबीयत फिर से खराब हो। हाँ तो मैं बात करती हूँ ना उनसे। मामी आप इसको समझाएंगे, ये अभी अंदर नहीं जा सकती। बेशक माँ बाप औलाद से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते, लेकिन अभी नहीं। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ घर के हालात ठीक करने के लिए, इसको भी समझाऊं। ठीक है बेटा, कोशिश करो, मैं भी फिर आ जाऊंगी बाद में। ये कोशिश करते कि मेरे लिए? मेरी बहन है, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, कुछ नहीं किया इसने कभी भी। मैं बात करती, मेरा घर है, मुझे कोई रोक नहीं सकता मेरे घर में बात करने से। मना किया ना कि तुम अंदर नहीं जा सकती, और मामी आपको किसी ने रोका आप जाएं, आप मिल लें अम्मी से, लेकिन इससे मेरे पास ही रुकना होगा। क्यों, मैं क्यों रुकूं? बेटा बात कर रही हूँ ना, दरअसल असमंत और हूर जा रहे थे घूमने फिरने के लिए, तो ये चाह रही थी सबसे मिलना। चलो बेटा हम फिर मिल लेंगे। नहीं फिर क्यों मिलेंगे, हम मिलना है ना। नहीं मैं क्यों रुकूं, मेरा घर है। अब वो भी अपना घर है, आ जाओ चले।
बता तू कौन है ये बता। है मंजिल लापता तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तू उन सवालों में है। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं। क्या वो जब से तेरा नक्श मेरे अक्स में जुड़ा है, दिल ये मेरा रक्स कर रहा है। रफ्ता रफ्ता लम्स तेरा जादू कर रहा है, जादू कर रहा है। सर किसी चीज की जरूरत हो तो बताएं। हाँ जी, थैंक यू। ये साया तेरा है या कोई माया। चेक करो बाकी सब कुछ ठीक है कि नहीं। क्या देख रही हो? कितनी खूबसूरत जगह है ना। हाँ लेकिन तुम ज्यादा खूबसूरत हो। चलो कुछ खा पी लेते हैं। नहीं भूख नहीं है अभी। कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, फिर तुम्हें दवाई भी तो खानी है। दवाई? हाँ तो क्या दवाई नहीं खाओगी क्या? अबू का फोन है। मेरे अबू का फोन है? हमारे अबू का। मामू का। बात करता हूँ। हेलो हेलो अबू, आपको आवाज आ रही है? मैं मुझे लगता है सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो रहा है। अब आ रही है आवाज आपको? हेलो, हम लोग पहुंच गए खैरियत से, बहुत अच्छी जगह। हाँ अभी दो कदम फासले पे सिग्नल नहीं आ रहे थे, अब सिग्नल आ रहे हैं। हेलो, फिर आवाज कट रही है। हेलो
जी जी मैं आपसे फोन पे इन टच रहूंगा, बस अगर कभी कॉल ना मिले तो परेशान मत होइएगा, सिग्नल्स का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। चले ओके ओके खुदा हाफिज। सब ठीक है? हाँ। कुछ ढूंढ रही हो? नहीं। तो मैं तो देखो तुम कुछ बात ही नहीं मुझसे। नहीं तुम ठीक हो ना? हाँ बस मैं सोच रही थी कपड़े बदल लूँ तो इसलिए। अच्छा ठीक है मैं ये सिमटने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इधर तो ही मैं कर देता हूँ। नहीं मैं कर लूंगी। दवाई का टाइम हो गया तो मैं दवाई खा लेनी चाहिए। नहीं नहीं दवाई की कोई जरूरत नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं जरूरी है दवाई की कोई जरूरत नहीं है मेरी तबीयत खराब नहीं है। मैं कह रही हूँ ना मुझे अभी दवाई की जरूरत नहीं है। ये लो। मैं ठीक हूँ। तुम फिक्र ना करो मैं समेट देता हूँ। मैं कपड़े हैंग कर देता हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। पक्की बात है? झूठ थोड़ी ना बोलोगी। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे तुम नहीं बोलते किसी से भी झूठ सिवाय मेरे। अच्छा मैंने कब झूठ बोला है तुमसे? तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूं बताओ ना। छोड़ो मैं कोई पहेलियां बुझाने थोड़ी बैठी हूं यहां पे। ये बात तो है मैं भी ये सोचा था कि हम अपने शहर से इतनी दूर यूं पहेलियां बुझाने तो नहीं आए। चलो उठो चलते हैं घूमते फिरते हैं देखते हैं कि आसपास क्या है। तैयार हो जाओ। नहीं लेकिन चेंज क्यों करूं बुरी लग रही हूँ इसमें। नहीं मैंने ऐसा कब कहा मैं ऐसे ठीक लगता तो ऐसे ही चलते। तो अगर ठीक लग रही तो पहले क्यों बोला था? बुरी लग रही होंगी ना सुबह से ऐसे तो कोई नहीं कहता। तो वैसे ही कहा था
तुम्हें जो बेहतर लगता है वैसे चलता। मेरे ख्याल से चेंज कर ही लेती हूँ, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। लोग ये कहेंगे कि देखो लड़की तैयार नहीं है फिर भी कितनी हसीन लग रही है। अब ये लोग मुझे तुम्हारी नजर से नहीं देखते ना। चेंज करा दो। ऐसा आखिर कब तक चलेगा जमाल साहब? हमें खुद जाकर बात करनी होगी। नमल ने हुरैन को घर के अंदर तक नहीं आने दिया। तो क्या बात करोगी? यही बताऊंगी ना कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें एहसास नहीं है इस बात का? सफीना उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है, बल्कि हो सकता है कि वो लोग शर्मिंदा भी हों। लेकिन उसे आने कहते हैं ना कि बात जबान से और तीर कमान से निकल के कभी वापस नहीं आती। कुछ वक्त दो उनको, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लोगों का क्या करूं? हर कोई इसी टो में लगा है कि चलो शादी तो हो गई जैसे तैसे, अब दोनों घराने आपस में क्यों नहीं मिलते? सच बताओ, मुझे बहुत शर्म आती है। तुम्हें क्या लगता है कि टो में लगने वालों को कुछ मालूम नहीं होगा? ऐसे मामलात में सवाल तभी उठता है जब जवाब मालूम होता है। और लोगों का क्या, वो तो मजे लेते हैं, उनकी परवाह मत करो। फिलहाल तुम आपा की तरफ जाने का भी मत सोचो। जानती हूँ पर जमाल साहब, जब जानती हो तो फिर अनजान क्यों बन रही है सफीना? बस दुआ करो अल्लाह सब ठीक कर दे। हाँ, कोई काम था? आवाज दे देती मुझे। काम तो था, लेकिन ये बता कि तुम सारा सारा दिन कमरे में घुसी हुई क्या करती रहती हो? हूँ और हाँ के अलावा अपने जबान नहीं खोलती, हुआ क्या है? परेशान तो सभी हैं, मैं अकेली थोड़ी ना। खैर, कोई काम था बताए, मैं कर देती हूँ। ये बताओ तुम्हारी वर्दा से बात हुई कि नहीं? आपकी हुई? अरे मेरी हुई होती तो मैं तुमसे पूछती भला, ना जाने मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ है। भाई पता तो करो कि हुआ क्या है, मेरी जान सूली पे लटकी हुई है, किस तरह उस बच्ची ने संभाला होगा, पता करो ना जरा। अम्मा मैंने किया था फोन, लेकिन आपा से कोई बात नहीं हो सकी। क्या मतलब बात नहीं की? कुछ कहा तो होगा ना, मुझे खुलकर बताओ जरा। अम्मा बता तो रही हूँ, किया था मैंने आपा को फोन, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, बल्कि उल्टा मुझे डांट दिया और मना किया कि मैं आज के बाद उन्हें फोन ना करूं। हाँ, इसके अलावा मेरी बच्ची करती भी क्या, परेशान होगी ना, गुस्से में कह दिया होगा, तुम फोन करो, मेरी बात करा दो, मेरी बात वो सुन लेती है आराम से, कराओ ना फोन। अरे मिलाओ बेटा।
अम्मा मेरे तो फोन में बैलेंस ही नहीं है। मैं बैलेंस करवा कर आती हूँ ना, फिर आपकी आपस से बात करवा दूंगी। अरे बीबी अगर बैलेंस नहीं होता तो इसे सारा दिन पकड़े पकड़े करती क्या रहती हो है? हाँ वो गई नहीं ना बाहर में, 5 मिनट लगेंगे, मैं फौरन से बैलेंस करवा के ना फिर आपकी आपा से बात करवा देती हूँ। ठीक है जाओ जाओ, चलो जल्दी जाओ, बैलेंस होता नहीं लगी होती है। आज मैं बहुत खुश हूँ अस्पन, तुम्हारे साथ गुजरा हुआ ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन। सिर्फ एक दिन की बात ना करो, जिंदगी का हर दिन ऐसे ही खुशी और मोहब्बत के साथ गुजारेंगे हम। सच बताऊं तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जिंदगी कितनी खूबसूरत भी हो सकती है। मैंने सोचा था, जब जब तुम्हारे बारे में सोचा था मुझे जिंदगी इतनी खूबसूरत लगी थी। हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहीं पे रह जाएं। अब देखो ना वहां जाके इतने सारे लोग होते हैं, उनके बीच में ऐसा ही लगता है जैसे हम अकेले ही हैं, कोई हमारे साथ नहीं। और यहाँ देखो कितना खूबसूरत है, कितना मजा आ रहा है। यहाँ रह तो नहीं सकते, घर तो जाना होगा हमें। तो हम अपना घर यहीं बना लेते हैं, सबसे दूर। अब देखो ना कितना अच्छा है यहाँ पे, लोग कितने अच्छे हैं, सब कुछ, कोई हमें तंग करने वाला नहीं है, कोई मुझे बुरा समझने वाला नहीं है, कोई हमें अलग करने वाला नहीं है। इस पर मुझे लगता है कि हम वापस जाएंगे तो ऐसा ना सब कुछ खराब हो जाए, ऐसा ना हो कोई हमें अलग कर दे। कौन? कोई नहीं। नाम तो बताओ मुझे। नमल। वो क्यों करेगी ऐसा? क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है बाबा, वो तुमसे शादी करना चाहती है। और पता है वो ये सब कुछ क्यों चाहती है? क्योंकि बस उसको शौक है, उसको लगता है कि मेरे पास जो भी चीज है ना उसे मैं कब्जा कर लूं, मुझसे छीन लेगी वो तो अपने आप को बड़ा महसूस करने लगेगी। बस पता नहीं कुछ है उसके साथ मसला, वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है। मैं उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो, दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। नमल कर सकती है इसका, वो सब कुछ कर सकती है। इसके पास कोई ताकत है ऐसी, कोई आसेब है उसके अंदर। वो सब कुछ कर सकता है, वो हमें अलग भी कर सकता है। सर छोड़ें इन बातों को, चलो। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की, मुझे दरवाजे से आपको नहीं भेजना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, दिल में बहुत बेसकूनी थी, इसीलिए आपके पास आई हूँ माफी मांगने। मुझे माफ कर दे।
अभी भी बेटा तुम मुझसे शर्मिंदा हो, खोर से नहीं। बीमार सगी बहन के साथ जो तुमने सलूक किया, बल्कि उसकी वजह से मेरे साथ वो सलूक किया, उससे कब माफी मांगो? मांग लूंगी माफी, कुपहूर से भी माफी मांग लूंगी। उससे माफी मांगना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। अब जानती है ना, अब उन्हें सख्ती से मना किया है। इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकती थी। यहां तक भी अब्बा ने कहा था कि हूर ने जो हरकत की है उसकी वजह से उसको अब्बा के जनाजे में भी शरीक ना किया जाए। अब आप भी मुझसे खफा होंगी तो मैं क्या करूंगी, मेरा क्या कसूर है? पप्पू मैंने तो वही किया ना जिसका मुझे हुक्म दिया गया था। मैं तो दोनों तरफ से ही फंस गई, इसीलिए आपके पास आई हूँ। आप ऐसे नाराज ना हो, मुझे माफ कर देना। पप्पू मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। आप एक दफा मेरे सर पर हाथ रख के कह दें कि आपने मुझे माफ किया। पप्पू मेरा कोई कसूर नहीं है, यकीन तो करें। मेरा कसूर तो हूर का भी नहीं है, बल्कि असमा जियार का भी नहीं है। हूर की मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास पड़ी है, तुम चाहो तो ले जाकर अपने अम्मी अबू को दिखा सकती हो। इस गलती की वो सजा दे रहे हैं इन दोनों को, ऐसी कोई गलती इन्होंने की ही नहीं है। पप्पू मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दें। बेटियों के सर पर हाथ रखने की रवायत तुम्हारे अबू तो भूल चुके हैं। मुझे भी यार खुश रहो। वापस पप्पू नादिर, नादिर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको अंदाजा भी है ये दो दिन किस तरह गुजरे हैं। अब मुझे आपकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही नादिर। कहने को कुछ बचा ही नहीं है वरदा, तुम्हें अंदाजा ही नहीं इस मुश्किल में ले आई हो तुम। तुम्हें पता है तुम्हारी खातिर अपनी माँ को नाराज कर दिया मैंने। सालन रोटी के मसलों को छोड़कर औलाद ना होने के मसले को भी मैं वरदा तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो नादिर मैं भी तो करती हूँ ना, मैं भी तो प्यार करती हूँ आपसे। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप मुझसे किसी की भी कसम उठवा ले, मुझे उस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे उन लोगों ने नहीं बताया था, और जब तक मुझे पता चला था तब तक इतनी देर हो चुकी थी। मैं कहती भी तो क्या कहती, कैसे कर लूं तुम्हारा यकीन? मतलब कोई भी तुम्हारा यकीन कैसे करे? हुरैन बहन है तुम्हारी, और अपनी पसंद तुम्हें नहीं बताई इसने, ये कोई कैसे मानेगा? लेकिन ऐसे तो सुफयान भी मेरे भाइयों की तरह है। मैं अपने भाई के साथ इस तरह करूंगी? अगर मुझे पता होता कि हुरैन का, मैं उसको क्यों इस तरह उम्मीद दिलाऊंगी बताएं? हाँ मेरा यकीन माने, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। आप बस किसी तरह संभाल लेना नादिर, प्लीज। मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। रोना बंद करो, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम रोती हो। और मुझे आपकी खामोशी तकलीफ देती है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं अम्मी को? बात करें, उनको बताएं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप तो कम से कम मुझ पे यकीन करें। और मैं वादा करती हूँ, मैं सुफयान अपने भाई के लिए खुद लड़की ढूंढूंगी, और बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी। अब आगे क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है वरदा, बस फिलहाल के लिए तुम इन बातों को भूल जाओ प्लीज। आप मुझे तलाक तो नहीं देंगे ना? कैसी बातें कर रही हो तुम वरदा? तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ये हरकत करूंगा? और हुरैन की गलती की सजा मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तो आप मुझसे वादा करें। आप मुझसे वादा करें कुछ भी हो जाए आप मुझसे खुद से अलग नहीं करेंगे। वरदा मैं वादों पे यकीन रखने वाला शख्स नहीं हूँ।
वादा तो आपने भी किया था सुफियान से, रहा? बारिश होने वाली है, मैं जाना चाहूंगा। सब क्या हुआ? कोई बात हुई? मुझे बता। अस्वन और
और